मुझको भारत ही परस्ता नजर आता है। कहना है कि ना हसी मिस्र ना जापान नजर आता है, और मुझको भारत ही परस्तान नजर आता है। आज भाई भी है भाई के लहू का प्यासा, आज भाई भी है भाई के लहू का प्यासा। कितना बदला हुआ इंसान नजर आता है। कितने बदला इंसान नजर आता है। कमेटी के तमाम भाइयों ने, मुन्नू भाई वगैरह ने, सुन्नू भाई ने और तमाम ने मुझसे कहा कि जुनैद भाई हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम है, तो पहले एक एकता पढ़ दें। तो अमन का दीप जलाना है, सब मिल के रहो। अमन का पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, हमारे सामने पुलिस प्रशासन मौजूद। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर के साथ। अमन का दीप, अगर सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है पुलिस प्रशासन तक, तो मैं खास तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। अमन का दीप जलाना है तो सब मिल के रहो, इन अंधेरों को मिटाना है। पूरी कमेटी इस शेर को सुन ले। बार बार मुझे सुन्नू भाई कह रहे हैं कि जुनैद भाई की कुछ लोग स्टेज के पास नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपने खाली नाम डलवा रखे हैं मगर वो आ नहीं रहे स्टेज के पास। जनाब जफर भाई, वसीम भाई, अंसार खान साहब, शकील खान साहब, शकील वाह, असलम भाई कहाँ हैं, बकरी वाले नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है बाबा यहाँ पे स्टेज के पास। यूसुफ भाई, अच्छा अनिल भाई, खलील भाई हैं मुझे, हाँ नहीं है, ये भी नहीं है। बारिश भाई, देखो भाई हमें जब पता चलता है जब हमें कोई पैसे देता है। एक शख्स मेरी जान ऐसे बैठे इस महफिल में कि उस टाइम से मैं जबलपुर आ रहा हूँ, क्योंकि ये जबलपुर और ये कोई कटंगी दूर नहीं, कटंगी एक मोहल्ला है जबलपुर का। मैं हाँ, अरे तुमसे नहीं, जिससे बात हो रही है उससे, तुमसे तो नहीं। जग्गी भैया तकरीबन 15 साल हो गए, 15 से भी ज़्यादा हो, बताइए कह रहे हैं ज़्यादा हो गया उस पीरियड को, कि जब तनवीर बाहा साहब के यहाँ मेरी क्लीन शेव लंबी लंबी गल पे, उस जमाने से ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उस वक्त में मुझे दुआएं दी। आवाम तक तो अब बहुत सारे अल्लाह पाक ने कलाम हिट कराए, तो उसके बाद प्यार मिला, मगर ये एकता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, हमको मत बांटो, हरे हरे रंगों में हमको मत बांटो,
के धरती तो रही धरती। हम हिंद के नारे से, हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे, धरती तो रही धरती अंबर को हिला देंगे, धरती तो रही धरती अंबर को। ऐ हिंदू मुसलमानों आपस में तो मिल जाओ, ऐ हिंदू मुसलमानों आपस में तो मिल जाओ, हम देश के दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। फिरोज भाई पार्षद साहब, अरे यार पार्षद भी तो भूलने की चीज है। अरे हिंदू मुसलमानों हम देश के सत्तार को मिट्टी में मिला दे। हमारे सर बैठे हैं मुन्ना भाई साहब जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं आप, और बड़े खुश हो रहे हैं। मगर मैं चार मिसरे पढ़ना चाहूंगा पूरे पुलिस प्रशासन के लिए। क्या बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस प्रशासन ने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला वो फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा उनकी, क्योंकि जब फरमाइश आ जाए तो भाई आर्टिस्ट का फर्ज बनता है एक शेर हो या एक कलाम हो पूरा पढ़ना चाहिए, और वो भी प्रशासन की तरफ से। मगर प्रशासन के एक अधिकारी यहाँ मंच पे बैठे हैं, तो चार मिसरे मैं पुलिस प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन कहता है कि जीते जी अपने किसी दिल को न रोने दूंगा, जीते जी अपने किसी दिल को न रोने दूंगा, बीज नफरत का किसी दिल में ना बोने दूंगा, और जान हाजिर है मेरी जान के टुकड़े कर दो, मैं अपने भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा।
हमारे जो मेरे बड़े हैं इंशाल्लाह। हर तरफ आज तबाही की घटा छाई है, हर तरफ आज तबाही की घटा छाई है, मुल्क को अपने